तो अभी हमारे पास जो स्मार्ट आर्ट में जो सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर, वो हमारे पास यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में, और हमें जो मिलेगा वो यहाँ से क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट पर। तो हमने कल किया था इसका लिस्ट वाला ऑप्शन, इसमें लिस्ट में रिलेटेड जो है पिक्चर्स और बॉक्सेस से रिलेटेड ऑप्शंस हैं जो आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं। अब इसमें आगे देखेंगे हायरार्की में, तो हायरार्की के अंदर हमें और भी ऑप्शंस यहाँ मिल जाएंगे, और इस पर क्लिक करके हमें यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करने पर ये हमें इस तरह से दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ये इसके हायरार्की के ऑप्शंस हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है या ये वाला ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन हैं, तो सारे यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। हायरार्की का जो ऑप्शन है बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं, पहले हम जैसे इसको ओके करेंगे तो इस तरह से ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हायरार्की वाला ऑप्शन है, हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें किसी चीज़ की हायरार्की को शो करना होता है कि कौन सी चीज़ किस मेन है और कौन सा उसका आइटम सब आइटम है। अब इसके लिए एक एग्जांपल को हम आपको देंगे बनाने के लिए, लेकिन मैं पहले आपको इसको हैंडल करना बताता हूँ कि इसको हैंडल कैसे करते हैं। देखें, इसको हैंडल करने के लिए पहले तो सिंपली इसके कलर स्टाइल्स के लिए जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्लिक करने पर स्मार्ट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करके स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स पर ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स और डिज़ाइंस इसके ऊपर हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3D में शो करना है तो इसको भी इस तरह से 3D में, 2D में और इस तरह से शेड्स के साथ और इस तरह से शो कर सकते हैं। इसके बाद अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन को भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है, और ये डिफरेंट कलर्स इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, अगर इसका लेआउट हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम इसका लेआउट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये एक और लेआउट है यहाँ से, ठीक है। इस लेआउट के अंदर जो है डिफरेंट किस्म के और भी डिज़ाइन स्टाइल्स हैं जो इसके ऊपर यहाँ से अप्लाई हो सकते हैं, और यहाँ से इसको चेंज किया जा सकता है। अब जो भी डेटा इसके अंदर होगा वो डिलीट नहीं होगा, वो इस लेआउट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, ये वाला लेआउट भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर इसकी कंट्रोलिंग दो तरह से हो सकती है। एक हो सकती है यहाँ से इन कमांड्स के ज़रिए, और दूसरी हो सकती है इसके ज़रिए जिसको हम कहते हैं टास्क पेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर आप जो डिफरेंट शेप्स देख रहे हैं, अगर किसी भी शेप के अंदर आपको लिखना है तो आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के दो मेजर कंपोनेंट हैं, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हार्डवेयर के दो मेजर कंपोनेंट हैं जिसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें मिल रहा है मिसाल के तौर पर CPU, और यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज टू बी कीबोर्ड, ठीक है। और यहाँ सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं सपोज टू बी एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन इस तरह से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पर जो है हार्डवेयर के बाद CPU, LCD ये दो ऐड किए, और सॉफ्टवेयर के बाद एप्लीकेशन ऐड किए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने इसको, इसके बाद अगर हमें दो कंपोनेंट और ऐड कराने हैं तो हम वो किस तरह से ऐड कराएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और ऐड शेप पे क्लिक करेंगे और ऐड शेप आफ्टर कर देंगे, तो इसके बाद एक कंपोनेंट और ऐड हो गया। लेकिन आपने देखा कि वो कंपोनेंट इसके बराबर में ऐड हुआ, बल्कि इसके अंडर में ऐड नहीं हुआ, यानी कि इसका सब कंपोनेंट ऐड नहीं हुआ। तो इससे हमें पता ये चलता है कि ऐड शेप आफ्टर करने में जो भी कंपोनेंट होगा उसी कंपोनेंट के बराबर में दूसरा कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, लेकिन हमें तो ऐसा करना नहीं था। तो अब इस कंपोनेंट को डिलीट कैसे करें? फिलहाल एक तो तरीका हम अंडू भी कर सकते हैं इस टाइम, लेकिन अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके डिलीट का बटन दबाएंगे और ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अगर इसके बाद अगर कोई कंपोनेंट ऐड करना है इसके अंदर, तो फिर यहाँ क्लिक करेंगे ऐड पर और ऐड शेप बिलो कर देंगे, तो ये देखें वो शेप इसके अंडर में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर जो चाहें टाइप कर सकते हैं। अब टाइप करने के लिए राइट बटन दबाएंगे और एडिट टेक्स्ट करेंगे, और फिर आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं जैसे कीबोर्ड। और अगर एक और कंपोनेंट चाहिए तो अब देखिए, हमने दो चीज़ें सीख ली कि अगर किसी कंपोनेंट का सब कंपोनेंट ऐड करना है तो उस कंपोनेंट पे क्लिक करना है और जाके ऐड शेप पे ब्लू कर देना है, लेकिन अगर हमें इसके बराबर में एक और कंपोनेंट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड शेप आफ्टर। तो ये देखिए, इसके बाद एक और कंपोनेंट इसमें ऐड हो गया, और उस पर राइट बटन दबा के एडिट करके हम उसमें लिख लेंगे सपोज टू बी माउस। तो ये देखें, इसके सब कंपोनेंट्स इस पर इस तरह से ऐड हो गए। अब आते हैं बात इसके ऊपर कि अगर इससे पहले एक कंपोनेंट ऐड करना है जो फर्स्ट है उससे पहले, तो उस पर क्लिक करेंगे और उसे कहेंगे ऐड शेप अबव, ऐड शेप अबव। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी एक कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर भी एक कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब अगर ये कंपोनेंट नहीं चाहिए तो इसको क्लिक करके हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, तो डिलीट हो जाएगा यहाँ से। तो ये ऐड शेप अबव का भी समझ में आ गया, जिस कंपोनेंट के क्लिक करेंगे वो उसके सुपर यानी कि मेन कंपोनेंट के तौर पे ऐड हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे ऊपर कि ऐड शेप बिफोर से क्या होगा। अच्छा, बिफोर से क्या होगा,
जैसे आफ्टर से क्या हो रहा है, वो किसी भी शेप के राइट साइड पे ऐड हो रहा है, पैरेलल है लेकिन उसके राइट साइड पे ऐड हो रहा है। तो अगर बिफोर करेंगे किसी भी शेप के तो फिर क्या होगा, वही पैरेलल होगा लेकिन वो उससे पहले हो जाएगा और वो आपको यहाँ पे इस तरीके से नज़र आएगा। और उस पर क्लिक करके अगर हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पर वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रही बात। तो इसकी कंट्रोलिंग हमने यहाँ से सीखी, सही। आफ्टर से क्या होगा, उसके बराबर में राइट साइड पे ऐड होगा, बिलो बिफोर से क्या होगा, उसके लेफ्ट साइड पे बराबर में ऐड होगा, बिलो से क्या, अबव से क्या होगा, उससे पहले ऐड हो जाएगा, और बिलो से क्या होगा, उसके बाद ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अब एक ऑप्शन आता है प्रोमोट और डीमोट का। यहाँ पे प्रोमोट और डीमोट क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस माउस वाले को डीमोट कर दिया तो इससे क्या होगा, ये अपने बराबर वाले के नीचे चला जाएगा, ठीक है। और मैंने अगर कीबोर्ड को क्लिक करके डीमोट कर दिया तो वो क्या होगा, वो उसके बराबर वाले के नीचे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने कीबोर्ड को प्रमोट कर दिया तो वो अपने सुपर कंपोनेंट के बराबर में आ जाएगा, और इसी तरह से इसको क्लिक करके प्रमोट कर दिया तो वो अपने सुपर कंपोनेंट के बराबर में आ जाएगा, और इसी तरह इस पर क्लिक करके प्रमोट कर दिया तो वो अपने मेन कंपोनेंट के बराबर में ऐड हो जाएगा, और यहां से डीमोट करेंगे तो वो उसके नीचे आ जाएगा। फिर क्या होगा, अब ये डीमोट, फिर इनको भी डीमोट करना पड़ेगा, डीमोट डीमोट और डीमोट, और यहां से भी क्लिक करके क्या करेंगे इसको हम डीमोट। तो इस तरीके से हम इसको प्रोमोट और डीमोट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर ये जो चीजें हो गई हमारी, इस तरह से ये सेट हो गई। अब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट में क्या होगा, जैसे ही मैं राइट टू लेफ्ट करूंगा तो यहां वाला सारा जो कंपोनेंट था हार्डवेयर वाला वो यहां इस साइड पे आ गया, और जो सॉफ्टवेयर वाला कंपोनेंट था वो लेफ्ट साइड पे आ गया। दोबारा से करूंगा तो राइट वाला राइट पर आ जाएगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट पर आ जाएगा। मूव अप और मूव डाउन से क्या होगा, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो मूव डाउन करेंगे तो ये देखें नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, मूव अप करेंगे तो ये इस साइड पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह इस पर क्लिक करके मूव अप करेंगे तो ये उससे पहले आ जाएगा, ये सबसे पहले आ जाएगा, और इसी तरह से क्लिक करके मूव अप और ये साइड पे ट्रांसफर होते जाएंगे, और क्लिक करके इसको मूव अप करेंगे तो इधर आ जाएगा, फिर इधर क्लिक करके इसको भी मूव अप करते हैं तो इनकी पोजीशन को ये अपनी चेंज करेगा, डाउन से राइट साइड पे मूव करेगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। ओके, अच्छा, अब ये सारी चीजें आपने यहां से सीख ली, ये भी सीख ली, ये पूरी कंट्रोलिंग उसकी हैंडलिंग आपको आ गई। अब एक और चीज, मिसाल के तौर पे अगर इसका पूरा डिजाइन चेंज करना है तो वो तो हम यहां से कर सकते हैं इजीली। ये देखिए पूरा डिजाइन चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, यहां से इसके कलर्स चेंज हो गए, ये कलर्स चेंज हो गए। लेकिन अगर किसी एक कंपोनेंट का कलर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, फिर उस एक कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे और क्लिक करके फॉर्मेट के टैब में जाएंगे, और यहां से क्लिक करके उसका जो भी कलर्स वगैरह इफेक्ट चेंज करने हैं, अंदर कलर कोई दूसरा देना है, इस तरह का दिखाना है, वो यहां से करेंगे। उसकी आउटलाइन को हम यहाँ से चेंज करेंगे, जो डिफरेंट ऑप्शन हैं उसको यहाँ से हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, एक कंपोनेंट को कैसे करना है। इवन उसके अंदर पिक्चर लगानी है तो भी हम कर सकते हैं, एक दफ़ा क्लिक करेंगे दोबारा क्लिक करेंगे जब वो सिलेक्ट हो जाएगा, शेफ फिल में जहाँ हम कलर दे रहे हैं उसके अंदर वहाँ से हम पिक्चर पर जाकर क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे, और जो पिक्चर हमारे कंप्यूटर में कहीं सेव होगी तो वहाँ से जाके हम उसको जो है क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाके उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे उस पिक्चर को, तो वो पिक्चर फिर इसके अंदर इस तरीके से नजर आएगी। सो खाली करना है तो शेफ फिल पे जाके नो पिक्चर करेंगे तो खाली हो जाएगा। हाँ देखें, एक कंपोनेंट को पहले आप सेलेक्ट करें, फिर दोबारा उस पर क्लिक करें, जब वो सिलेक्ट हो जाए तो यहाँ शेफ फिल में जाके फॉर्मेट के टैब में शेफ फिल में जाके यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं, पिक्चर लगानी है तो पिक्चर भी, ठीक है। ओके, अच्छा, उसके बाद जो है अब हम इसकी कंट्रोलिंग सीखते हैं इसके जरिए, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन की टास्क पेन के जरिए। तो यहाँ से टास्क पेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी कंट्रोलिंग है। अब इसकी कंट्रोलिंग यहाँ से कैसे करते हैं वो देखिएगा। मैंने ये सारों का दबाया बैक स्पेस से, तो ये सारे बैक स्पेस से सारे के सारे रिमूव हो गए, और रिमूव होकर ये एक बॉक्स बन गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक कॉम्पोनेंट एड करना है, मेन कॉम्पोनेंट। तो ये मेन कॉम्पोनेंट तो मेरा है ऑलरेडी, तो इस कॉम्पोनेंट का क्या नाम रखना है, मिसाल के तौर पर मैंने इसका नाम रखा है यहाँ पे कंप्यूटर, तो ये एक मेन कंपोनेंट हो गया। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये दूसरा कंपोनेंट इसके बराबर में ऐड हो जाएगा, सही है। अब मुझे इसको इसका सब कंपोनेंट बनाना है तो टैब दबाऊंगा तो ये इसके आगे आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा मिसाल के तौर पे हार्डवेयर, और उसके बाद एंटर किया, दूसरे कंपोनेंट का नाम रखा सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो कंपोनेंट हो गए। उसके बाद जो है यहाँ पे क्लिक करके एंटर किया, ऊपर जाके एरो की से हार्डवेयर के सब कंपोनेंट बनाने हैं तो एंटर किया, वो इसके बराबर में ऐड हो गया। लेकिन अगर वो मुझे सेव कंपोनेंट के तौर पे चाहिए इसके, तो टैप कर दूंगा तो ये उसका सब कंपोनेंट हो जाएगा। तो जिसमें मैंने लिख दिया CPU एंटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया LCD एंटर, कीबोर्ड एंटर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माउस। अब इस तरह सॉफ्टवेयर में आके हम इंटर करेंगे तो ये एक कंपोनेंट हो जाएगा, टैप दबाएंगे तो वो इसका सब कंपोनेंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया एप्लीकेशन,
और यहाँ पे हमने इंटर किया, उसका पैरेलल आ गया, उसको लिख दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमने इसे क्लिक किया एप्लीकेशन पे जाके और फिर इंटर किया, तो उसके भी सब कंपोनेंट ऐड करना है तो उसको भी टैप करेंगे, और फिर जो उसके मजीद इसमें ऑप्शन ऐड करने हैं, मिसाल के तौर पे हमें इसमें ऐड करना है सपोज टू बी वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, तो देखें वो पैरेलल ऐड होते चले जाएंगे। इसी तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी एक इंटर किया, उसके पैरेलल ऐड हो गया, टैप किया तो वो उसका सब कंपोनेंट हो गया, और इसको हमने यहाँ पे नाम लिख दिया सपोज टू बी तो ये देखें इसके सब कंपोनेंट हो गए। आप जितने भी ऐड कराते जाएंगे ये थोड़ा सा बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन ये के फिर थोड़ा छोटा भी होता जाएगा वो बॉक्स जो अंदर वाले, फिर उसको आप इजीली इस तरह से खींच के बड़ा कर सकते हैं। एक और तरीके से आप अपने पेज की जो ये जो पोजीशन है या इसकी लेआउट है, इसका पोर्ट्रेट है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ लेआउट में जाएंगे, इसको कर देंगे यहाँ से लैंडस्केप, तो जैसे थोड़ा पेज जो है चौड़ा हो जाएगा, चौड़े से मतलब ये होगा जो इसकी चौड़ाई थी वो लंबाई में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ से हम अपने इसको इस तरह से खींच के और बड़ा कर लेते हैं, तो ये फिर आपको थोड़ा सा बेहतर नज़र आने लग जाएगा। तो ये इस तरह से नज़र आएगा। फिर आप इसका स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में जाके आप इसका डिज़ाइन फिर से चेंज कर सकते हैं, आप इसको वर्टिकल डिज़ाइन में डाल सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो रहा है तो इसको वर्टिकल ऑप्शन में डाल दें, यहाँ से क्लिक करेंगे फिर आप इसको इस वाले में डाल दें तो ये इस तरह से बन जाएगा। आप इसको नहीं देखना चाहते, आप इसमें डाल दें तो फिर ये आपको ऐसे दिखाई देंगे। अब इसमें ये आप एक बात नोट करें, जैसे ये ऐसे दिखाई दे रहा है ना, तो ये और अच्छा है इसके अंदर कि ये जो आप देख रहे हैं ये जो बने हुए ये इनकी पिक्चर्स हैं। इसको भी हम 3D से निकाल के नॉर्मल 2D व्यू में लाते हैं, तो देखिए इस पर पिक्चर भी लगा सकते हैं हम। ये जो ऑप्शन बना रहा है इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप वर्क ऑफलाइन पे जाएंगे और यहाँ पे इसमें कोई भी एक पिक्चर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ डबल क्लिक किया वर्क ऑफलाइन में क्या, और यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, यहाँ से लेटेस्ट में चले गए और यहाँ पर हमारे पास कुछ पिक्चर नहीं मिली, या इसके ऊपर इस पर क्लिक कर देते हैं, भी पिक्चर इस पर बनी हुई आ जाएगी। इस पर डबल क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम इसको और पिक्चर लगा सकते हैं। तो ये सारी पिक्चर्स जो हैं इसके अंदर लगा सकते हैं और यहाँ पर इनके नाम भी अपीयर हो जाएंगे। यही पिक्चर्स हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पे ये हमने पिक्चर लगा दी, तो नेम के साथ साथ हम इसके ऊपर पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो ये सारा जो है मामला इस तरह से हो जाएगा। ये लेआउट को दोबारा से चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके एक दूसरा लेआउट भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।